जी का बाबा का, वो चाहते हैं कि इधर से रास्ता हो जाए, उसके पहले जाना चाहिए ताकि थाने के परिसमन को लेकर जनपद पंचायत लांजी कार्यालय के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान लांजी गिरनापुर विधायक राजकुमार करराय सहित जनपद अध्यक्ष अर्चना खोगल, एसडीएम प्रदीप कौरव, एसडीओपी सत्येंद्र घनगोरिया, लांजी पुलिस अनुविभाग के समस्त थाना प्रभारी, जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के नागरिक गण उपस्थित रहे। लांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों के परिसमन संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। सभी ने जन समुदाय की सुविधा और निकटता को देखते हुए अपने अपने विचार रखे। भानेगांव और लोडांगी में जन सुविधा को देखते हुए पुलिस थाना बनाने की बात कही गई। वही नक्सल समस्या को देखते हुए नवीन चौकी बनाने को लेकर भी बात कही गई। विधायक राजकुमार करराय ने कहा कि नए थाने और पुलिस चौकी का निर्माण और थाना क्षेत्रों में गाँव कस्बों को दूरियों को देखते हुए परिसीमन को लेकर प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन, अवैध शराब बिक्री और अवैध सट्टा कारोबारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। देखिए, जैसा कि माननीय सीएम महोदय एवं हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि हमारे थाने की सीमाओं का पुनर्निर्धारण होना है, जिससे कि जनता को और सहूलियत हो सके थाने तक पहुंचने में, और थाने के लिए भी आसान हो कि कोई घटना दुर्घटना होती है तो वो जल्द से जल्द किसी गांव में पहुंच पाए, किसी स्पॉट पे पहुंच पाए। उस संबंध में जो है हम जो है माननीय हमारे जनप्रतिनिधि और सदस्य विधायक महोदय तथा अन्य हमारे जो रहवासियों से हमने सलाह के लिए आज एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसके तहत हमने ये आयोजन का उद्देश्य हमारा मुख्यतः यही था कि ऐसे कौन से गांव हैं जिनको चिन्हित किया जा सके, जो किसी दूसरे थाने के क्षेत्रांतर्गत फिलहाल में आ रहे हैं परंतु उसे किसी अन्य थाने में स्थानांतरित करके कर दिया जाए, जिससे वहां के रहवासियों को और आसानी हो सके उस थाने तक पहुँचने में, साथ ही पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है वो हम और ज्यादा कम कर सकते हैं। सर, कितने ग्रामों को चिन्हित किया गया? कौन कौन से ऐसे ग्राम आए हैं सर जिनको आप चौकिया थाने बना सकते हैं, या कौन से ग्राम हैं जो शामिल किए जाने हैं? देखिए, रहवासियों की तरफ से तो प्रस्ताव गया है कि भानेगांव को थाना बनाना चाह रहे हैं, ताकि वो बड़ा गाँव है और आसपास की कुछ पंचायत भी उसमें सम्मिलित होकर एक थाना बनाने का प्रस्ताव जो है रहवासियों और जनप्रतिनिधियों की तरफ से हमें दिया गया है, जिसे हम आगे की तरफ अग्रेषित करेंगे। साथ ही जो कुछ गांव हैं जो अपनी सहूलियत के लिए जिनको जो है किरनापुर थाने में फिलहाल, जैसे कि भाने गांव, चिकला माली, जो रहवासी और जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि वो गांव जो है वो लांजी थाने में आ जाए, लांजी थाने में है, किरनापुर में आ जाए, तो ऐसे ही कुछ गांव जैसे खांडापरी है हमारा, सहेकी है, वो चाह रहे हैं कि लांजी थाने में आ जाए, अभी फिलहाल बहेला थाने में है हमारे, तो ऐसे ही लगभग कुछ 8-10 गांवों का प्रस्ताव जो है हमें दिया गया है। कुछ नई चौकियों का भी प्रस्ताव है? देखिए, चौकियों का प्रस्ताव में हमारी जो बॉर्डर से लगी हुई कुलपा कारंजा गांव है हमारे, वहां पे एक चौकी का प्रस्ताव रखा गया है हमारे पे, ताकि जो है मूवमेंट अच्छा हो सके और पुलिसिंग अच्छा हो सके वहाँ पे, क्या किसी प्रकार की अगर कोई हादसा या संभावना होती है वहाँ आसपास के गांवों में तो पुलिस तत्काल वहाँ पर पहुँच पाए। आपका परिचय? मैं राधेश्याम सिंह दुबे, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6। जैसे कि आज इस जनपद में बैठक रखी गई थी, तो आपने किस मुद्दे पर बैठक में चर्चा की, क्या मुद्दे थे आपके? मेरा जो प्रमुख मुद्दा ये था कि रेत को लेकर के था। अभी बीच में माननीय विधायक जी ने कहा था कि 2,500 रुपये में पर टली जो रॉयल्टी का रेत मिल रहा है उसको कम किया जाएगा, तो देखने में आया कि 2,500 से ज़्यादा और हर ट्रिप के 2,500 हो गया। उसके अतिरिक्त मेरा एक और मुद्दा ये था कि जितने भी जो ठेकेदार हैं, ये जो स्वीकृत खदानें हैं शासन द्वारा, जो स्वीकृत खदानें हैं उन खदानों से ही रेत का खनन होना चाहिए, और उसमें भी स्वीकृत क्वांटिटी में। लेकिन देखने में ये आता है कि जो स्वीकृत खदानें छोड़ करके जो खदानें ऐसी हैं जो शासन स्तर पर स्वीकृत नहीं है, उनकी क्वांटिटी स्वीकृत नहीं है, उन खदानों से भी ये जो है रॉयल्टी प्रोवाइड करते हैं। मतलब सपोज कीजिए कि कोकना घाट स्वीकृत है, कड़कना घाट स्वीकृत है, तो वहाँ की रॉयल्टी ये बिनोरा घाट की रेत निकालेंगे वहाँ पर भी चला लेते हैं। सेवती में यदि स्वीकृत लिए तो वहाँ भी ये कड़कना की रॉयल्टी सेवती से रेत निकालते हैं वहाँ पर दे देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये राजस्व का भी नुकसान है, शासन का भी नुकसान है,
और जनता और जो पर्यावरण को भी नुकसान है और जनता इसमें पीसी जा रही है। ये प्रमुख मेरा जो मुद्दा था कि स्वीकृत खदानों से ही रेत निकाला जाए और स्वीकृत क्वांटिटी में। और ये एक और मेरा विषय था कि जैसे एक नदी है उसकी स्वीकृत क्वांटिटी 1,00,000 घन मीटर है, तो वो 1,00,000 घन मीटर वो चाहे तो 3 साल में खोदे, लेकिन होता क्या है कि ये एक ही साल में 6 महीने में 2 महीने में पूरी स्वीकृत क्वांटिटी खत्म हो जाती है इनकी। और वो एक्चुअल में रॉयल्टी देते नहीं उतने की, वो एक ही रॉयल्टी से काम, बिल्कुल एक ही रॉयल्टी से दिन भर में एक रॉयल्टी देंगे, लंबी दूरी की गढ़चिरौली की काट लेंगे और उस ट्रिप में वो दिन भर में 4-5 ट्रिप WT चलाते हैं विदाउट रॉयल्टी। और दूसरा मुद्दा क्या था? दूसरा मेरा मुद्दा ये था कि मेरा जो हमारा जो जिला पंचायत क्षेत्र पड़ता है इसमें लोड़ांगी, अतरिया, भक्कूटोला, मेंढरा ये अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। तो इन क्षेत्रों के ऊपर पिछले विधानसभा चुनाव के पहले एक घटना भी घटी थी जिसमें नक्सलाइट द्वारा एक मुखबिर की मतलब शक के दायरे में लेकर के उसकी उन्होंने हत्या कर दिए थे। तो मेरा कहना था कि इन क्षेत्रों में विशेष निगरानी किया जाए और इन क्षेत्रों को नक्सल प्रभावित क्षेत्र के तहत में रख करके वहाँ जो दुर्गम क्षेत्र है उसका सड़कों के भी निर्माण हो और अन्य जो निर्माण कार्य है जो अतिरिक्त नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए जो विकास कार्यों के लिए आता है उसको खर्च किया जाए, संपूर्ण सुविधा हो उन गाँव के लिए। ठीक, भैया जैसे कि अभी परिसीमन को लेकर यहाँ बैठक रखी गई थी, क्या बात हुई, क्या किस मुद्दों पर बात की गई? चूँकि ये जो सर्किल है SDOP सर्किल जो है उस लेवल पर हट्टा से लेकर थाने आपका चौकी सीतेपाड़ा तक के सभी सर्किलों में जो गांव आते हैं थाने क्षेत्र में और चौकी क्षेत्रों में गांव आते हैं उनका परिसीमन होना था। तो इसमें कुछ पंचायतें जैसे सहकी है और खानापुरी पंचायत जो है बहला थाने में आते थे उसको लांजी थाने में सम्मिलित करने के लिए कहा गया है और भानेगांव और शुक्ला माली जो है पंचायत जो है वो पहले किरनापुर थाने में आता था उसे भी लांजी थाने में करने के लिए कहा गया है। नया प्रस्ताव एक थाने के लिए हमने अभी आगे बढ़ाया है जिसको भानेगांव मुख्यालय के अंदर में एक नया थाना हो जाए जिससे कि लोगों को जो सुविधा है मुख्यालय स्तर पर होने की वजह से लोगों को सुविधा इसमें उपलब्ध हो सके उस तारतम्य आज की बैठक रखी गई। सर रेत को लेकर क्षेत्र में बहुत परेशानियां हो रही, तो क्या रास्ते निकालेगा? रेत को लेकर हमारे लगातार हम लोगों के ऊपर से कार्रवाई भी चल रही है, सरकार भी इसमें कार्रवाई कर रही है और निश्चित तौर से इसका नया हल निकलेगा। अभी हमने जब सारी बैठकों में जब मुख्यमंत्री जी के पास की बैठक हो चाहे जिले की बैठक हो हमने उसमें मामले को उठाया है और अभी जो रेत घाट जो चिन्हित रेत घाट है उनका भी सीमांकन हो रहा है। आज की तारीख से सीमांकन प्रारंभ हो चुका है। सीमांकन होने के बाद में रेत ठेकेदारों को सिर्फ अपने एरिया से रेत निकालने का अधिकार होगा और बाकी जो खदानें होगी वो पंचायतों को राइटली इशू करवा करके उनके द्वारा रेत का उत्खनन किया जाएगा। ऐसा हम लोगों ने अभी आगे बढ़ाया है काम को, तो हो सकता है कि जल्दी ही उस पर निराकरण हो जाएगा। अभी सीमांकन होने के बाद में फिर हम आगे की जो बैठकें होंगी उस पर तय करेंगे कि क्या करना है। और वेद शराब और सड़कों को लेकर भी बात करें, उसमें भी काफ़ी चर्चा हुई है हमारी, चूँकि जो मुख्यालय स्तर पर कहीं कहीं पर जहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक होता है, स्कूल होते हैं, वहाँ पर शराब दुकानें लगी हुई हैं तो उनको हटा करके गाँव से थोड़ा बाहर करने के लिए और जो रोड पर रोडों पर जहाँ पर शराब की दुकानें हैं उस पर भी चर्चा की गई है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे गौ की तस्करी हो रही है उसे भी रोकने के लिए एक कुल्पा या कारंजा के अंदर में चौकी बनाने के लिए भी इस बातों को कहा गया है, आज के प्रस्ताव में हमने रखा है। तो इस ये भी लाभ जो है हमको मिलेगा किस न किस तरीके से और सभी क्षेत्रों में हमने आज चर्चा किया है। बहुत सारे मुद्दे दूसरे भी मुद्दे आए हैं उस पर भी हमने चर्चा किया है। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।